तो यार रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लोगो किस तरह से क्रिएट करना अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उस वीडियो में मैंने एक और बात कही थी कि आपको अपना क्लिप आर्ट लोगो किस तरह से क्रिएट करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस लोगो के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह से मैंने बनाया है, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ, कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता लग जाएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस प्रोफेशनल लोगो के बारे में कि इस लोगो को किस तरह से क्रिएट करना है या फिर अपने फोटो को क्लिप आर्ट लोगो में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होना चाहिए लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में। मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ता रहूँगा आपको उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस बना रखे थे जिसको मैं अभी इस इमेज को मैं क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करने वाला हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। एज अ रेफरेंस मैं इसी इमेज को लूँगा और मैंने कुछ इमेजेस बना रखे हैं जो कि मेरे प्रोफेशनल लोगों में ये भी हुए थे, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेरा मेन लोगो है, उसके बाद मैं कन्वर्ट किया हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको एक बार लोगो कन्वर्ट होने के बाद आप जैसे चाहे उसको कलर्स वगैरह कर सकते हो। किस तरह से करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करना है, तो राइट क्लिक और ओपन विद फोटोशॉप। तो मैंने अभी फोटोशॉप में ओपन कर लिया। आप अगर फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पर आपको लेयर्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसी तरह से यहाँ पे लेयर्स आते जाएंगे। और अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड में है, इसको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे क्या करना है। तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पर नंबर वाइज आ जाएगा 1 2 3, इस तरह से एक 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 जो है इमेजेस यानी एक एक फाइल्स ओपन होते जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, जैसे मैं यूज़ करूँगा उसी तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंपली लेयर से खेलना है, यहाँ से आपको टूल से खेलना है। यह है टूल का पैनल और ये है लेयर्स और यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह हैं जो कि किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस इमेज को हम लोग बैकग्राउंड को लेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओरिजिनल इमेज है, इसको मैं लेयर्स में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसका इमेज का साइज़ देखते हैं एक बार, इसका इमेज साइज़ है 2600 पिक्सल्स है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से अभी हमको एक इमेज क्रिएट करने के लिए अभी फिर से हमको एक पेज सेट करना है जिसको ज़्यादा नहीं लेना है, बस न्यू में जाना है। और यहाँ पर 1920x1080p देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर 720x720 कर लेता हूँ ताकि पिक्सल्स स्क्वायर पिक्सल्स मिलेंगे। और यहाँ पर रेजोल्यूशन है उसको आप 150 कर लो। ठीक है, बाकी सब जैसा है वैसा रख दीजिए। यहाँ पर कर देता हूँ मैं लोगो टेस्ट 1, अपना लोगो क्रिएट करने वाले यानी अपने फोटो को फोटो लोगो क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर एक और बैकग्राउंड आ गया है, तो इस बैकग्राउंड को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं हम लोग। और फिर से हम लोग इस इमेज में चले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं क्या करूँगा, अभी छोटा कर दूँगा इसको। अभी इसको छोटा करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर एक मूव टूल मिल जाएगा, मूव टूल को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, ये भी छोटा हो गया। या फिर इमेज में जाना है और इमेज साइज में जाना है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको मैं रेजोल्यूशन 150 कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 800 कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा इमेज कन्वर्ट हो गया। अभी इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रॉप करने वाला हूँ, तो एग्जैक्ट सेम एज इमेज आ गया। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि हमको इतना ही शेप चाहिए था, इसलिए अभी हमको बस इतना चाहिए यहाँ पर। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा,
इस इमेज को हम लोग अभी क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेता हूँ जितना साइज है उतना। तो ये हो गया क्रॉप, और इसको थोड़ा सा हम लोग ऑपेसिटी कम कर लेते हैं। आप चाहे तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ डिटेल्स वगैरह दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे सब दिखाई दे डिटेलिंग्स वगैरह। ये हो गया कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करना है। ये हो गया, सेट हो गया। अभी बैकग्राउंड्स के ऊपर हमारा एक लेयर है, लेयर वन, जो कि मैं इसको कर देता हूँ ओरिजिनल। अभी ये लेयर का नाम हो गया ओरिजिनल। अभी हमको एक और लेयर क्रिएट करना है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे तीन चार लेयर में कन्वर्ट करना है, यानी एक क्लोथिंग का रहेगा, एक लेयर बियर्ड और हेयर्स, और एक लेयर होगा हैट, और एक लेयर आएगा चश्मा, ठीक है, यानी स्पेक्स। इसको मैं सबसे पहले लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट लेयर। इसको मैं डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मुझे अभी जाना है पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल सेलेक्ट करते ही मैं सबसे पहले हैट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है, फिर आल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक करना है ताकि वो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। फिर उसी तरह से मुझे एक और यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से सेट कर देना है। मैं एक बार आपको फटाफट से समझा देता हूँ कैसे क्या करना। एक बार एक पेन का एक हो जाए तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। एक बार जैसे ही आपका जो मार्क यानी पेन से आप एक बार मार्किंग कर लिया तो आप सिंपली कंट्रोल इंटर दबा दीजिए। ये लेयर पे सेलेक्ट करना है। एक बार सेलेक्ट होने के बाद इस लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको एक और टूल दिखेगा इस जगह पे, यानी पेंट बकेट टूल रहेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक और ओके। इसके बाद सिंपली इस पर आप ड्रॉप कर देना। अभी ड्रॉप हो गया क्योंकि ये लेयर उसके ऊपर लेयर के ऊपर है, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाता हूँ। जैसे ही नीचे लाऊंगा ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी ये वाला सिलेक्शन मार्क को किस तरह से निकालना है, आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अब इतना हो गया। अभी आप एक बार यहाँ पर अनचेक करके देखिए, हमारा इस तरह से हेड का कॉर्नर आ गया है, ठीक है। उसी तरह से आपको ईच एंड एवरी लेयर पे इसी तरह से काम करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको लेयर वाइज काम करना है ताकि जब भी आप उसको कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो। तो अभी इसके बाद यहाँ पर शेप वन, शेप टू, शेप थ्री वाला सिलेक्शन का आ गया है, तो इसको आप सिंपली डिलीट कर दीजिए। अभी इस कलर वन को यानी लेयर वन को मैं रीनेम कर देता हूँ हैट, अब सही हो गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको इस तरफ का एक और मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद आप सिंपली कंट्रोल इंटर दबाना है, उसके बाद उसी लेयर पे आना है आपको जिस लेयर पे आपने कॉर्नर को सेलेक्ट किया था उसी पे, यानी हमने लेयर का नाम रखा था हैट, हैट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर पेंट बकेट टूल मिल जाएगा, इसको आप सिंपली इस पर ड्रॉप करना है, ठीक है। अब ओके करना है, फिर से आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है और आपने जितने भी लेयर शेप किए थे उसको डिलीट कर देना है। अब दो लेयर हो गए हमने। अभी आप लोग इसको अनचेक करके देखते हैं, यानी इसको ऑफ करके देखते हैं, तो इस तरह से आपका हो गया। तो उसी तरह से आपको सारे चीज़ों में आपको थोड़ा टाइम लगा कर आपको सेट कर देना, ठीक है। एक बार फाइनल होने के बाद, मैंने ये मेरा पुराना वाला लेयर था उसको मैं बता देता हूँ। तो एक बार आपका फाइनल होते ही आपको सिंपली यहाँ पर अनचेक करके देखना है सही से आ रहा है। मैंने यहाँ पे आए अपना ड्राइंग नहीं किया, सारी डिटेल्स वगैरह हमने बना रखे हैं। यहाँ पर आप कोट देख सकते हो, यानी हुडी वगैरह, बियर्ड, ईयर के डिटेल्स है, हेयर्स है, हैट है और चश्मा वगैरह, सारा चीज़ें हमने बना रखे हैं। एक बार फाइनल होने के बाद यहाँ पर ओरिजिनल को एक बार अनचेक करके देखते हैं, यानी मैं हाइड करके देखता हूँ, तो आपका लोगो इस तरह से दिखेगा। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़।